दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें जानेंगे कोरोना से जुड़ी। पहली खबर आप देख पा रहे कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को भी कोविड 19 पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। इनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह भी दी गई है। दरअसल मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने रविवार को ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। सिंह ने कहा दोस्तों कि मुझे कोविड 19 की पुष्टि है। हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से अपील है कि वे खुद को क्वारंटीन करें और टेस्ट कराएं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है। देश में दोस्तों कोरोना के कुल मामले 88 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 41,100 नए केस देखे गए। भारत में आज के ताजा डेटा की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 नए मामले आए और 24 घंटों में 447 लोगों की मौत भी हुई। भारत में आज का एग्जैक्ट डेटा आखिर क्या कहता है। कुल संक्रमित केस की संख्या 88,14,000 पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,79,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा, जबकि 82,05,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण। और दोस्तों कोविड 19 से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,29,635 पहुंच चुका है। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। दुनिया भर के ग्लोबल कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में कल ही 5,75,000 नए केस आए, यानी कि 7,25,000, जबकि 8,800 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अभी 1.5 करोड़ लोग संक्रमित हैं, यानी कि एक्टिव केस है दुनिया भर में। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक दोस्तों 5,43,12,000 मामले कुल सामने आ चुके हैं। ये रहा ग्लोबल कोविड डेटा का आंकड़ा। और आइए नजर डालते हैं भारत में कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से हालात बेकाबू चल रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। आपको बता दूं दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा और इस सिचुएशन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग भी बुलाई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद यानी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार फिर से दिल्ली में सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में कोविड 19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक बुलाई है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहने जा रहे हैं। तो ये कुछ दोस्तों राजधानी दिल्ली में स्टेटस चल रहा। साथ ही अगली खबर देखिए वैक्सीन को लेकर एक अपडेट है कि अमेरिका और जापान का टीका संक्रमण को रोकने में 90% तक कामयाब रहा है। चीन से आगे निकलने में है दोनों देश। जी हाँ, अमेरिका और जर्मनी वैक्सीन बनाने की दौड़ में चीन से भी आगे निकल चुके हैं। चीन ने बढ़ाया अपने वैज्ञानिकों पर जल्दी टीका बनाने का दबाव और चीन ने 60 देशों को जल्दी टीका उपलब्ध कराने का वादा भी किया। ऐसा लगता है दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ में फिलहाल चीन पिछड़ रहा। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की फर्म बायोएनटेक एसई ने इस सप्ताह ऐलान कर दिया कि उन्होंने जो टीका तैयार किया है वो कोविड 19 संक्रमण रोकने में 90% तक कामयाब है। पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि इस होड़ में बाजी चीन मारेगा, मगर अमेरिका और जर्मनी कंपनियों ने उससे पहले घोषणा कर दी, जिससे दुनिया भर में इन कंपनियों के शेयर मार्केट में भी भारी उछाल देखा गया है। वहीं अब जानकारों का ये भी कहना है कि चीन तभी दुनिया में अपना प्रभाव बना सकता है अगर वह ये साबित करने की स्थिति में हो कि उसका टीका ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी है। स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का टीका क्लिनिकल परीक्षण के आखिरी दौर में है, लेकिन अब चीन को ये आम धारणा भी बनानी होगी कि उसका टीका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देखते हैं दोस्तों कि वैक्सीन बनाने की होड़ में आखिर कौन से देश सबसे आगे निकल पाते हैं। हमारे भारत में भी 3-4 वैक्सीन का जो अंतिम ट्रायल चल रहा है, देखते हैं आखिर इंडिया भी काफी आगे है वैक्सीन में, पीछे नहीं है। कब तक आखिर कोविड 19 की प्रॉपर वैक्सीन आ पाती है, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप देखिए एक अगली खबर कि चीन में फ्रोजन बीफ मीट पर मिला जिंदा कोरोना वायरस, पैकेट से संक्रमण फैलने का खतरा भी बन रहा। देखिए जरा, चीन में फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स पर कोरोना वायरस मिलने का एक नया मामला देखा गया। चीन में इस बार दूसरे देशों से आए फ्रोजन बीफ मीट और उसके पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। चीन में ब्राजील से आए फ्रोजन बीफ मीट और सऊदी अरब से आए झींगे के पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिला। आपको बता दूं इससे पहले चीन में मछली और अन्य फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट पर भी कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी। मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों ने 3 फ्रोजन बीफ मीट के नमूनों की कोरोना जाँच की और इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। वाकई में ये बेहद चौंकाने वाली बात है। चीन में ऐसे मामले सामने आने के बाद वहां की सरकार ने चेतावनी भी जारी करते हुए लोगों से इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को भी कहा है। और आपको बता होगा दोस्तों कि चीन में तो मीट वगैरह बहुत ज्यादा ही चलता है, इसी बीच ये मसला और देखा गया तो ये वाकई में चिंताजनक है। चलिए साथ ही इसी बीच अगला अपडेट आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट को लेकर यहां पर एक बड़ी खबर या बड़ा अपडेट भी निकल कर आ रहा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच को लेकर ये अपडेट है, अच्छी खबर है। भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ कोरोना वायरस की जांच में नेगेटिव पाए गए और खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए शनिवार को ही अभ्यास शुरू कर दिया। मतलब ये दोस्तों कि भारत से जो ऑस्ट्रेलिया पहुंची ना उस टीम का कोविड टेस्ट कराया गया और एक भी खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं आया। ये वाकई में राहत की बात है, टीम इंडिया के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है, गौरव की बात है और खास करके जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी राहत की बात है कि कोई भी उनका फेवरेट खिलाड़ी बाहर नहीं हो पाएगा। हाल ही में यूएई में इंडियन
प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शाव और मोहम्मद सिराज समेत कई क्रिकेटरों ने अभ्यास सत्र में भाग लिया था। और वाकई में दोस्तों ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। भारत के लिए अच्छी बात है कि एक भी गेंदबाज कोविड 19 से पॉजिटिव नहीं पाया गया। अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम को दिल से चाहते दोस्तों तो इसी बात पर तो एक लाइक बनता है यार, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, ये तो खुशखबरी है। एक लाइक तो बनता है, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगला अपडेट में। देखिए एक नया खुलासा हुआ कि फेफड़ों पर सीधा हमला कर रहा कोरोना वायरस, खून जमने से मरीजों की मौत हो रही है। दरअसल आपको बता होगा दोस्तों कि कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा आ रहा ना, क्या आपने कभी सोचा कि इस मौत के पीछे मेन वजह है क्या है? आखिर कोरोना वायरस से तो मौत हो रही है, ठीक है ना, ये तो कहने में सिंपल है, लेकिन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो आखिर मौत का मेन कारण क्या है, कोज क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है खून का जमना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया दोस्तों कि वायरस संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता और वायरस के चलते खून काफी गाढ़ा हो जाता और जमने लगता। खून गाढ़ा होने के कारण मरीजों के दिल तक यानी कि हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और इसके कारण मरीज की मौत हो जाती है। ये खुलासा हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने यानी कि हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कोरोना से होने वाले मरीजों की मौत की जांच के दौरान हुआ। देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हो, लेकिन कई राज्यों में ये आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2000 से भी ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उनसे होने वाली मौतों पर अब डॉक्टरों की टीम उनका डेथ ऑडिट भी कर रही है और इस ऑडिट के आधार पर ही अलग अलग अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रह रहे 313 मरीजों की सेहत पर विशेषज्ञों की विशेष नजर है। ऐसे में दोस्तों कोरोना मरीजों पर नजर रख रहे डॉक्टर राजेंद्र राय के मुताबिक संक्रमित मरीजों के सीने में इन्फेक्शन दिखता है, इसके कारण उनका सीटी स्कैन कराया जाता है। डॉक्टर राय ने बताया कि अभी भी हमारी टीम ने 75% तक खराब हो चुके फेफड़ों वाले मरीजों की भी जान बचाई है। जिन मरीजों के फेफड़े 75% से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं उन्हें बचाना काफी मुश्किल होता है। टीबी के मरीजों की तरह कोरोना के मरीजों के भी फेफड़े खराब हो जाते हैं। कोरोना की जांच में इस बात का पता चला कि किसी गंभीर टीबी के मरीज के जो फेफड़े खराब होते हैं ना, ठीक वैसे ही कोरोना वायरस फेफड़ों पर हमला करता है और फिर ऐसे पेशेंट को बचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि फिर भी डॉक्टर्स वैज्ञानिक मिलकर के काफी अच्छा प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं कोरोना मरीजों को बचाने के लिए। देखते हैं इस पर और क्या अपडेट है तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल एक पड़ोसी देश जाने दुश्मन की खबर देखिए कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड मामले देखे गए। दरअसल पाकिस्तान में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। देश में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 2443 से अधिक मामलों का पता चला और पाकिस्तान में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 356,000 से भी ज्यादा हो गई। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार इससे ज्यादा तो हमारे इंडिया में आ रहे आंकड़े, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो और क्षेत्रफल के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या ही कितनी है और उसमें से भी देखिए 356,000 3.5 लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव है और भारत की जनसंख्या कितनी है आपको पता होगा। तो इन दोनों के अनुपात को अगर देखा जाए ना तो भारत से भी ज्यादा बदतर हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देखिए, अमीर देशों ने पहले ही बुक करा ली कोरोना वायरस की वैक्सीन की करोड़ों डोज। आखिर दोस्तों दुनिया के हर व्यक्ति तक कोरोना वायरस की खुराक कब तक पहुंचेगी? अगर आपके भी मन में यह सवाल है तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका जवाब क्या है। दरअसल चीन से दुनिया के अन्य देशों में फैली कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुए एक साल होने में, पिछले साल के अंत में ही चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला देखा गया और इस साल तक यानी कि एक साल के अंदर अंदर लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है जबकि कई करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कई देश कोरोना बीमारी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन भी बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों तो अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध तो हो जाएगी, लेकिन दुनिया के हर शख्स तक वैक्सीन के पहुंचने में लगभग 4 साल तक का समय लग सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि कई अमीर देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोज को पहले ही बुक करा लिया और ऐसे में कई गरीब देशों की जनता के लिए काफी कम ही डोज बचेगी। अमीर देश जैसे कि जापान हो गया, चीन, अमेरिका वगैरह जो राइस कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस की जो कंपनियां अभी तक वैक्सीन प्रॉपर बना ही नहीं पाई उससे पहले उनको ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन देशों को लगता है कि ये कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी तो उनका प्री ऑर्डर बुक हो चुका है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कंपनियां उन्हीं देशों को वैक्सीन डिलीवर करेगी और गरीब देश जैसे कि नेपाल वगैरह हो गया, भूटान, तो इन पर वैक्सीन पहुंचने में लगभग 4 साल तक का समय लग सकता है। ये कुछ मसला चल रहा है। एडवांस्ड कोरोना वैक्सीन की बुकिंग में अगर भारत देश की बात करें ना दोस्तों तो हमारे भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी 1.9 अरब वैक्सीन की डोज ऑलरेडी बुक करवा ली है। हालांकि एक शख्स को यदि कोरोना वैक्सीन की कम से कम 2 डोज दी जाए तो भी लगभग 70 करोड़ डोज की कमी पड़ेगी। फिर भी भारत में काफी हद तक सरकार ने वैक्सीन को प्री बुक करा लिया, यानी कि इससे ये भी लगता है दोस्तों कि भारत अब गरीब कंट्री नहीं रहा। वाकई में भले ही भारत एक डेवलपिंग कंट्री हो लेकिन अब भारत की इकोनॉमी भी इतनी डाउन नहीं है और इतनी पूरी भी अब भारत में नहीं बची है। धीरे धीरे
धीरे भारत विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है और ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसका श्रेय भारतीय उन नेताओं को भी जाता है जो सच्चे दिल से वाकई में देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत के कौन से साल के कौन से प्रधानमंत्री ने भारत को कितना फेमस किया दुनिया में वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी मैं पर्टिकुलर किसी एक पीएम का नाम लूंगा आप ये बोलोगे कि यार डीएलएस भाई तुम फलाना ढीमका राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हो उसके पक्ष में बोलते हो वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत का दुनिया में कितना नाम हुआ, तब भारत कितना गरीब था, तब भारत के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी, तब भारत के लोग कितना चूल्हे पर खाना बनाते थे, कितना क्या कुछ पानी की समस्याएं थी, बिजली की समस्याएं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो सरकार चेंज हुई पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भारत जो है गरीबी से निकल रहा है और मध्यम से उच्च कैटेगरी की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो ये वाकई में अच्छी बात है। सरकारें चेंज हुई, लोगों को सुविधाएं मिली बड़ी। मैं पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक पार्टी पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अच्छी तरह से समझते हो, आप खुद एक डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी सरकार अच्छी होती है, कौन सी सरकार गलत थी, कौन सी अच्छी है वगैरह वगैरह। ये डिसीजन मैं आप पे खुद पे डिपेंड करता हूँ। और मैं तो आपको हर बार यही कहता हूँ कि जब भी आप वोट दो ना, आपके इलाके में कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन क्या विकास करता है, आप व्यक्ति के कैरेक्टर को देखिए, चरित्र को देखिए, उसकी विकासशीलता को देखिए और उसकी क्रिएटिविटी को देखिए, उसके बाद ही उनको वोट करें। आप चाहे कांग्रेस को वोट दो, भाजपा को दो और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को दो, लेकिन सोच समझ कर दो, ताकि आपका जो चुना हुआ नेता होगा ना वो आप ही के बच्चे बच्चों का भविष्य तय करेगा। आपके बच्चे बच्चे आगे जाने के बाद कौन से भारत में जिए, वो गरीब भारत में जिए या वापस सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में आगे की ओर बढ़ते रहें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ही का जो एक उंगली का बटन होता है यही आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। सो प्लीज सोच समझ करके वोट दें। और बाकी मैं ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, आप ये कहोगे कि राजनीति का वीडियो बना रहे हैं कोरोना वायरस का, खैर छोड़ो, आज का मुद्दा ये समाप्त करते हैं। कोरोना को लेकर आज दिन भर के 10 बड़े अपडेट थे, उम्मीद आपको जानने मिलेंगे। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।